हेलो दोस्तों, आज हम ये मॉडल सीट 8-3 की सीट तैयार करेंगे। इसमें कितने बल्ब के पॉइंट हैं को कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमने ये एक बल्ब का पॉइंट ऊपर ये लगा रखा था, तो इसकी तार को जानने के लिए हम इसमें 1 mm की वायर लगाए हैं। तो हमारा ये जो 8-3 की सीट है, बोर्ड है, इसमें हमारा जो ये है पतला तार, ये 1 mm की तार है जो कि बल्ब की पॉइंट है, और ये इन्वर्टर की है, और ये जो काले तार है ये 2.5 mm की तार है जो कि मेन तार होता है, सर्किट है, और ये 1.5 की तार है जो बल्ब के साथ हमने इसको लगा रखा है, और ये लाल तार है जो सर्किट है। अब हम इसकी सीट तैयार करेंगे। इसमें बनेगा 2 स्विच, 1 सॉकेट है, एक बल्ब का हो जाएगा और जो एक स्विच है वो सॉकेट का हो जाएगा। ये है हमारा सीट जो आ रखा है ओरिएंट कंपनी का। अब हम 8-3 की ये सीट तैयार करेंगे। ये है 8-3 की सीट है, इसमें ये पेच दिए होते हैं, लेकिन इस पेच का इसमें कोई रोल नहीं है। लोक है ना, ये लोक बढ़िया है, इसमें डायरेक्ट ये फंसाने वाला लोक होता है। इसमें हर एक सीट का लोक अलग अलग होता है। ये जो 2 है इसमें डमी लगा देंगे, जो खाली जगह था, इसको डमी या फिर ब्लैंक भी बोलते हैं। ये हमारी हो गई 8-3 की सीट तैयार है। अब हम इस सीट को इस बॉक्स में फिट करेंगे। सीट लगाने से पहले दोस्तों, ये जो इसमें जो मसाले वसाले हैं इसको हमको साफ करना जरूरी है। अब ये वायर को हम बराबर करेंगे। इस तार को हमने बिल्कुल एक जैसा बराबर काट दिया, और एक मैक्सिमम बड़ा करके, ताकि हमारे सीट में बॉक्स में आसानी से फिट हो जाए। ज़्यादा बड़ा तार भी नहीं रखते हैं इस बॉक्स में, नहीं तो ये जो पेच है पेच में लग के कट जाते हैं, जिससे करंट आने लगता है दीवालों में। ये जो 2.5 की तार है और 1.5 की तार है, ये दोनों काले तार है जो कि हमने न्यूट्रल बना रखा था। न्यूट्रल कहाँ टच किया जाता है? अब न्यूट्रल कहाँ पे लगाते हैं, इस पे जो सॉकेट है इस पे न्यूट्रल का सिंबल दिया होता है, एन लिखा होता है, यानी कि एन का मतलब होता है न्यूट्रल है, और इस दूसरे तरफ लिखा होता है एल, एल का मतलब होता है फेस है। ये हर एक सॉकेट पे लिखा होता है एल और एन। हम इसको न्यूट्रल में न्यूट्रल की जगह टाइट कर देंगे तार को। और फिर ये जो बल्ब के एक हाफ है इसको लगा देंगे। और ये जो पीली तार है
पीली तार को हमने इन्वर्टर बना रखा है। इसे एक हाफ में कनेक्ट कर दे एक स्विच में, ताकि जो हमारा बल्ब है, बल्ब हमारा इन्वर्टर पर हो गया है। और ये जो एक सॉकेट है इसको हम बिजली पे करेंगे। ये जो हमारा 2.5 एम की तार है ये मेन सर्किट है फेस से। यह हमने फेस इस स्विच में कनेक्ट कर दिया है। अब ये छोटा सा तार है 1.5 एम की। अब इस तार को हम इस स्विच में कनेक्ट कर देंगे और इस सॉकेट में। ये जो 1.5 एम की तार है 6 एम्पेयर के स्विच में ही लगता है। अब ये दोस्तों हमने इसको कनेक्शन कर दिया है। एक सॉकेट इसका ये स्विच है और ये है इस बल्ब का स्विच। यहाँ बल्ब लगेगा हमारा और ये हमने इसका कनेक्शन कर दिया। अब इसको इस बॉक्स में टाइट करेंगे। अब ये दोस्तों हमारा जो एक ये पेच है ये फ्री हो गया है, तो इसको टाइट कैसे करेंगे उसके लिए आप है ये एक तार का टुकड़ा ले लें। और इस तार के टुकड़े को ये जो पेच जिसमें टाइट करते हैं ना, जो अंदर पेच दिया होता है उसी में लगा देंगे तार को। और फिर ये जो जिप्सम पेच है उसी में लगा देंगे, टाइट कर देंगे, तब हमारा जो पेच है ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। अब ये हमारा पेच बिल्कुल टाइट हो गया। ये हमारा सीट हो गया तैयार। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।